motion of a body in a vertical circle. Vertical circle में क्या होने वाला है? Body ऐसे घूमेगी against gravity, in favor of gravity, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे. Rule number one, अगर मैं एक रस्सी ले लूं और नीचे एक बाल्टी पॉकेट बाल्टी नीचे बांधूं और उसको गोल घुमाऊं ऐसे, तो आपको क्या लगता है, वेलोसिटी सेम होगी या नहीं होगी? स्पीड सेम होगी कि नहीं होगी? मतलब हॉरिजॉन्टल में तो गारंटेड था 2 मीटर पर सेकेंड. वर्टिकल में क्या ऐसा होगा? 2 मीटर पर सेकेंड. यस कि नो? ओके, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, घुमाने वाले पर डिपेंड करता है. वो चाहता है मैं 2 से घुमाऊंगा, घुमा ले. पर अगर आप पेंडुलम की तरह फ्रीली उसे घेरते हो तो आप इसमें अगेंस्ट ग्रेविटी अगर जाते हो तो स्पीड ज्यादातर चेंज होगी. हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं होगी. जैसे मान लो आप एक जायंट व्हील लेते हो, पंखा लेते हो, वर्टिकल पंखा, वो जो साइड स्टैंडिंग, ठीक है यार, कॉन्स्टेंट स्पीड से घूमता है, प्रॉब्लम क्या है उसमें, घूमता है, वर्टिकल है. तो ये ना सोचें ऐसा, हॉरिजॉन्टल के अंदर स्पीड चेंज हो सकती है. आप तेज स्लो फोर्स लगाओगे, स्पीड चेंज होगी. वो तो क्योंकि चैप्टर का नाम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था, हमने यूनिफॉर्म रखी. पर ये रूल नहीं है कि हमेशा यूनिफॉर्म रहेगी. ऐसी वर्टिकल के अंदर भी आपने घुमाना है, आप जैसे मर्जी घुमाओ, आप स्पीड कॉन्स्टेंट रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते. ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन. तो मतलब ये माइंड में ना बिठाएं कि हॉरिजॉन्टल सर्कल में वी सेम रहता है, स्पीड सेम रहती है. नहीं जी, नहीं, वो तो चैप्टर का नाम यूनिफॉर्म था इसलिए स्पीड सेम है. अगर मैं उसकी स्पीड चेंज करना चाहूं तो हो सकती है. क्लियर है? ऐसा भी तो हो सकता है 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड मैं फोर्स तेज लगानी शुरू कर दूंगा. हम बाद में करेंगे उसको कैसे हैंडल करना है. अभी इमेजिन करो एक पेंडुलम है. देखो पेंडुलम तो बेस्ट एग्जांपल. पेंडुलम को जाके हम तो कुछ करते नहीं, बस ऐसे करके छोड़ देते हैं. तो पेंडुलम का टू एंड फ्रो मूव करना इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर मोशन. ठीक है, पेंडुलम अगर पूरा चक्कर काट जाए तो सर्कल है, पर अगर ना काटे तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर मोशन. राइट, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि अगर मैंने एक पेंडुलम लिया, ये रहा एक पेंडुलम, और मैंने कहा इट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर मोशन, तो कहने का मतलब वो इस तरीके से मूवमेंट शो करेगा. तो ये बताओ इसके अंदर क्या स्पीड चेंज होगी या नहीं होगी? अब मैं नहीं टच कर रहा, छोड़ दिया अंडर ग्रेविटी, स्पीड चेंज होगी कि नहीं होगी हर इंस्टेंट पर पेंडुलम में? होगी. अच्छा ये बताओ, बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पर वी की वैल्यू क्या होगी? पेंडुलम रुक नहीं जाता, फिर इंक्रीज 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 इंक्रीज, तो वी की वैल्यू यहां पर क्या होगी? मैक्सिमम. फिर डिक्रीज 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 दूसरे एक्सट्रीम पर, यहां पे वी की वैल्यू फिर से क्या होगी? जीरो. और हर इंस्टेंट पर चेंज 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 चेंज, यानी कि डिपेंड करता है कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है स्पीड चेंज होगी या नहीं होगी. पहला पॉइंट क्लियर है? चलो हम एक एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल भी डिपेंड करता है. तो हम एक वर्टिकल सर्कल का एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर इमेजिन करो कि मैं किसी भी एक स्ट्रिंग लेता हूं, मैं एक रस्सी ली मैंने, ये सेंटर है, और ऐसे एक ऑब्जेक्ट को यहां पर बांध दिया. मैं बाल्टी को कैसे घुमा रहा हूं ध्यान से देखना. मैं ऐसे नहीं घुमा रहा, जोर नीचे लग रहा है पूरा मेरा, फिर मैं फ्री हो गया अपने घूमेगी, फिर पकड़ रहा हूं गिरी ना जाए मुझसे, फिर कुछ ऐसा. स्पीड चेंज होगी कि नहीं होगी? तो इस एग्जाम्पल में मैं क्या कर रहा हूं, तेज और फिर स्लो 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 स्लो. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ये बताओ कि स्पीड चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी. तो जैसे मैं नीचे था, लोएस्ट पॉइंट पे था, तो स्पीड सबसे ज्यादा की कम? ज्यादा. और फिर ऊपर जाने में कम 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 ऐसे, और सबसे कम.
फिर उसके बाद नीचे आना है ऑब्जेक्ट ने, इंक्रीज 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 मैक्सिमम। तो स्पीड मैक्सिमम, कम 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 मिनिमम, फिर इंक्रीज 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 मैक्सिमम, यानी हर इंस्टेंट पर इस क्वेश्चन में स्पीड चेंज होगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या टेंशन की वैल्यू, रस्सी एक है, ध्यान से सोच के बोलना, क्या टेंशन की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी? टेंशन यहां पे, जब स्ट्रिंग यहां पर है, टेंशन यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर सेम रहेगी या डिफर करेगी? रस्सी एक ही है, चेंज होएगी? आपको लगता है कि रस्सी तो एक है, लॉज ऑफ मोशन का टेंशन सेम ही रहती है एक रस्सी में, चेंज कैसे हो गई? देखो, जब वो बाल्टी को उठाएंगे, सबसे ज्यादा जोर कहां लगेगा? जब वो लोएस्ट पे होगी। ध्यान से देखना, एक जोर लगेगा कम, टेंशन कम, फोर्स कम, फोर्स कम, मिनिमम, बढ़ेगी 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 मैक्सिमम। तो देखो, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, टॉप मोस्ट पॉइंट पर मिनिमम और बॉटम पे मैक्सिमम, बीच और बीच में कहीं भी। तो रूल नंबर वन, इस प्रॉब्लम में जब मैं कहूंगा टेंशन की वैल्यू, ठीक है, टेंशन की वैल्यू यहां पे, जब ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो हमेशा क्या होगी? मैक्सिमम, मैक्सिमम। और जब वो बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट होगा, यहां पर आएगा एम ऑब्जेक्ट, तो ऐसे केस में टेंशन की वैल्यू यहां पर क्या रहेगी? मिनिमम, टी मिनिमम, राइट? ये लो ऐसे, और वेट तो ऑब्वियसली एमजी नीचे की तरफ है, ही है यहां पर भी और यहां पर भी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? नीचे का डायग्राम अलग है, ऊपर का अलग है। और अगर मैं बात करता हूं कि चलो यहां पे ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो इस पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू T1 होती होगी, अगर मैं यहां लेता हूं तो T2 होती होगी। हर इंस्टेंट पर टेंशन की वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? वर्टिकल सर्कल की प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, टेंशन भी चेंज हो रही है, राइट? पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब क्वेश्चन है कि सपोज आपको कोई भी बॉडी गिवन है कि वर्टिकल सर्कल में, ठीक है, मान लो एक अगेन मास एम है या बाल्टी आपने टांग दी और रस्सी गिवन है, तो ये आपकी रस्सी और ये मास नीचे एम लगा हुआ है, एम है। तो मुझे ये पता लग गया कि इसका जो वेट है इस ऑब्जेक्ट का लोएस्ट पॉइंट पर, ये लोएस्ट पॉइंट है एल, कैसे एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। और मान लो ऑब्जेक्ट यहां जा रहा है, तो इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, उसका नाम क्या है? VL, VL का मतलब वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। और यहां पर मैंने क्या डिस्कस किया कि टेंशन की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी? टी मैक्स। तो ये वेक्टर है टी मैक्स। क्लियर है यहां तक? अब ये बताओ, इस पॉइंट पर क्या ये ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहे है? हाँ या ना? घूम रहे है ना, वर्टिकल सर्कल तो घूम रहे है। तो इसके पास कौन सी फोर्स होनी चाहिए? सेंट्रिपिटल। सेंट्रिपिटल फोर्स कहां एक्ट करती है? टुवर्ड्स सेंटर। यहां पर इस इंस्टेंट पर सेंटर की तरफ फोर्स कौन सी है? टी मैक्स। टी मैक्स टुवर्ड्स सेंटर है, लेकिन इसके ऑपोजिट भी एक फोर्स है जो अवे फ्रॉम सेंटर है, जिसका नाम है वेट एमजी। एमजी नाम यहां पे वेक्टर में, वेट एमजी। अब एमजी अवे फ्रॉम सेंटर है, टी मैक्स टुवर्ड्स सेंटर है, तो अगर ये सर्कल में बॉडी घूमती है, नेट फोर्स कहां एक्ट करनी चाहिए? टुवर्ड्स सेंटर। इसका मतलब टी मैक्स को बड़ा होना पड़ेगा एमजी से, कि अगर एमजी बड़ा हो गया, रस्सी हाथ से छूट जाएगी या टूट जाएगी और बाल्टी नीचे गिर जाएगी। तो टी मैक्स बड़ा होगा तभी नेट फोर्स, नेट फोर्स का मतलब बड़ी में से छोटी फोर्स माइनस करेंगे तो क्या बनेगा?
टी मैक्स माइनस एम जी, ये नेट फोर्स है कहां, टूवर्ड्स सेंटर, और यही प्रोवाइड करेगी इस मास को सेंट्रिपिटल। तो सेंट्रिपिटल का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाय रेडियस, मान लो इसका एल है, बाय एल, और ये क्योंकि लोएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पर वी एल। कोई डाउट इसमें, इक्वेशन समझ में आई सेंट्रिपिटल की कैसे लगेगी इसमें? तो लोएस्ट पॉइंट पर इक्वेशन क्या लगती है, समझ में आ रहा है? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो लोएस्ट पॉइंट के ऊपर इक्वेशंस क्लियर है। अच्छा, अब सपोज करो आपके पास फिर से बॉडी किसमें घूम रही है ना, सर्कल, ये लो, और इस बार मैं इक्वेशन हाईएस्ट पॉइंट पे बनाना चाहता हूं, ये सेंटर है। तो लेट अस सपोज हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू है वी एच, वी एच का मतलब वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, बॉडी का वेट कहां एक्ट करेगा बोलो, टूवर्ड्स सेंटर, तो इसका वेट क्या है mg, कहां एक्ट करेगा टूवर्ड्स सेंटर। इसके अंदर जो टेंशन है, टेंशन t मिनिमम, वो भी कहां एक्ट करेगी टूवर्ड्स सेंटर, ठीक है ना, t मिनिमम सेंटर, क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है तो नेट फोर्स कहां एक्ट होनी चाहिए, टूवर्ड्स सेंटर, जो इसे क्या प्रोवाइड करेगी, सेंट्रिपिटल। बोलो कौन सी फोर्स है टूवर्ड्स सेंटर, नेट फोर्स बोलो t मिनिमम प्लस mg, तो ये फोर्स कहां एक्ट कर रही है टुवर्ड्स सेंटर, और क्या प्रोवाइड कर रही है सेंट्रिपिटल। तो सेंट्रिपिटल का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाय रेडियस इसका एल। तो लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट की इक्वेशंस क्लियर है सेंट्रिपिटल की? कोई डाउट इसमें, यहां तक ठीक है? अब जो एनसीईआरटी की बुक है ना, वो आपको क्वेश्चन जो देती है या तो वो लोएस्ट पे देती है या वो क्वेश्चन हाईएस्ट पे देती है। अब दो ही क्वेश्चन तो हर किसी ने याद कर ली कि लोएस्ट और हाईएस्ट पे क्या है। जो कंपटीशन है ना, ऐसी बात नहीं एनसीईआरटी देती नहीं, एनसीईआरटी भी देती है पर ज्यादातर लोएस्ट हाईएस्ट पे ज्यादा देती है, पर जो कंपटीशन वाले जो प्रॉब्लम्स हैं या थोड़ी और टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं वो आपको लोएस्ट और हाईएस्ट पे देंगे नहीं। वो आपको कहां देंगे, वो बीच में कहीं पर देंगे। वो कहेंगे ठीक है, मान लो इसने मास ने एंगल जब बना रखा था एम, तो फाइंड टेंशन T1 वो यहां पे देंगे, पर ये वाला केस हम आज नहीं करेंगे, ये केस हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज हम बेसिक्स के ऊपर काम करेंगे, हाईएस्ट एंड लोएस्ट के ऊपर, बस हम इससे ऊपर कुछ नहीं करेंगे आज। फिर एंगल वाला काम आखिरी रह जाएगा, क्योंकि ये पोजीशन एक, ये दो, और बीच में कहीं भी तीन, तीन सेगमेंट है इसके। तो आज हम हाईएस्ट लोएस्ट कर लेंगे और एट एनी पॉइंट नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। तो समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे चलेगा, कोई डाउट इसमें? तो इसमें हम हाईएस्ट और लोएस्ट के ऊपर काम करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक का नाम है नेक्स्ट, वो क्या है, टू फाइंड मिनिमम वेलोसिटी। हम क्या करने जा रहे हैं, हम वेलोसिटीज निकालेंगे एक लोएस्ट पॉइंट पे और एक हाईएस्ट पॉइंट पे, ताकि बॉडी किस पे घूम सके ना, सर्कल। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आपने बाल्टी उठा ली, आप ऊपर ले गए, आपने कहा ओ यार ऊपर वेलोसिटी देनी बंद है ही नहीं, मेरे पास एनर्जी थी नहीं इतनी, मैं तो वेलोसिटी लोएस्ट पे इतनी थी, बस इतना ही जा सकता है, बाल्टी और पानी आपके सिर पे ही गिरेगा, सर्कल में कैसे घूमेंगे, नहीं घूम पाएंगे आपको। यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो देनी पड़ेगी, जीरो पे नहीं खेल सकते आप, जीरो पे तो सीधा नीचे गिरेगी। तो क्या वेलोसिटी हो ताकि वो सर्कल कंप्लीट करे, राइट? बाइक है, डेथ वेल, मौत का कुआं, सर्कस में जाते हैं, वो बाइक उठाते हैं, ऐसे भी घूमते हैं और ऐसे भी घूमते हैं, उल्टा भी घूम जाते हैं। तो बाइक उठा ली उसने, पता था नहीं उसे कुछ भी, उसने वेलोसिटी दी, पहुंच गया ऊपर, पहुंची नहीं आगे, व्हीकल जीरो वेलोसिटी नीचे, तो कुछ तो वेलोसिटी देगा ना ताकि आगे जा सके। वो मिनिमम वेलोसिटी क्या हो ताकि बॉडी सर्कल में घूम सके। आपको जी 100 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चला दो, चला दो, मैंने मिनिमम बोला, मैंने मैक्सिमम नहीं बोला। वो वेलोसिटी ढूंढो, अगर आपने वेलोसिटी उससे कम दी वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, तो वो कट ऑफ क्या होगी ये ढूंढना है। वही सेम प्रॉब्लम जो हमेशा आंसर दे, एग्जांपल देता हूँ, मैंने मैथ का पेपर देना है, मैथ के पेपर में मैंने मार्क्स लेने हैं, हम मार्क्स तो सर जितने मर्जी लोगो 80 लो 90 लो 100 लो जितने मर्जी लो, भाई मेरे को पासिंग मार्क्स बताओ क्या होगा, पासिंग 33 है। वो कैसे कैलकुलेट होगा, अगर एक भी नंबर कम आ जाए मैं फेल हूँ, और ज़्यादा हो जाए मैं चलो पास हूँ। तो वो मिनिमम वेलोसिटीज या मिनिमम मार्क्स क्या होने चाहिए, वो मिनिमम वेलोसिटी सर्कल में क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर काम होगा। ज्यादा तो जितनी मर्जी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पॉइंट समझ में आ रहा है हम क्या करने जा रहे हैं, टू फाइंड मिनिमम वेलोसिटीज एट लोएस्ट एंड
हाईएस्ट पॉइंट, ताकि पार्टिकल किसमें घूम सके ना, सर्कल।